Get your ticket to your dream career. Join IIMT University, which offers courses in engineering, pharmacy, law, management, mass communication, hospitality management, nursing and paramedical and other professional courses. O Pocket Ganganagar, Mavana Road, Meerut. Namaskar, main hu Ravi Sharma aur aap dekh rahe hain First Bite Roti. Apne hi staff ke haath mein chaku, bedroom mein behan samet band, behan ke haath se tap tap rishta khoon और लगातार जान से मारने की मिल रही धमकी देखकर किसकी रूह फना नहीं हो जाएगी। करीब आधा घंटे के इस ड्रामे का केंद्र बना मेरठ गंगानगर का अनुदेव नर्सिंग होम। ऐसे में पुलिस व बाकी लोगों की सूझबूझ काम आई। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और दोनों बहनों को कुशल बरामद कर लिया। आरोपी कंपाउंडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जरूरतें पूरी न होने पर कंपाउंडर ने यह आत्मघाती कदम उठाया था। उसकी नजर में हाल ही में घर में आए 4 लाख रुपए पर थी। दरअसल मवाना रोड मेरठ पर अनुदेव नर्सिंग होम है। डॉक्टर एसपी सिंह और डॉक्टर ओशा सिंह दोनों पति पत्नी इसका संचालन करते हैं। भूतल व पहली मंजिल पर नर्सिंग होम है, जबकि दूसरी मंजिल पर ये अपने परिवार के संग रहते हैं। हसनापुर थाना क्षेत्र के पाली निवासी तपराज पुत्र जयपाल सिंह नर्सिंग होम में कंपाउंडर का काम करता है। बुधवार रात करीब 9 बजे तपराज पौधों में पानी डालने के बहाने दूसरी मंजिल पर गया था। इस दौरान उसने दूसरी मंजिल पर बने बेडरूम में मौजूद डॉक्टर की दोनों बेटियों को बंधक बना लिया। पेपर कटर चाकू की नोक पर दोनों को बेडरूम से सटे बाथरूम में ले गया। दोनों बहनों से अपने पिता को फोन करके तिजोरी की चाबी मांगने को कहा। बड़ी बेटे ने अपने डॉक्टर पिता को फोन करके तिजोरी की चाबी दूसरी मंजिल पर रखने के लिए कहा। शक होने पर डॉक्टर एसपी सिंह और उनकी पत्नी डॉक्टर ऊषा सिंह दूसरी मंजिल पर पहुंचे, तब यह मामला खुला। बड़ी बेटी के हाथ में चाकू लगा है। आइए पहले सुनते हैं क्या बता रहा है आरोपी तपराज। 1000 रुपए के लिए बंधक बनाया तुमने? कितने रुपए के लिए बंधक बनाया? आज मन में क्या आया तो क्यों कर आई ने, मतलब बंद क्यों करा लड़की? कुछ पैसे नहीं कब बनाया तुमने प्लान? कितने दिन से तैयारी में लग रहा है इसकी? तो तैयारी तो होगी, तो पता तो किया होगा, ऊपर रहे हैं नीचे रहे हैं कुछ तो किया होगा ना कि? और कब से तुम पानी वगैरह डालने का प्रॉपर डेली जाते हैं? तो पानी डालने के बहाने से फिर तुम आज अंदर आ गए? पानी किस चीज़ में डालने के? पेड़ पौधों में? तो दोनों बेटी बेडरूम में होंगी जी? आप पढ़ाई कैसे बुलाया उन्हें अंदर बाथरूम में? वो तो अंदर जैसे हाथ पकड़ के अंदर चली गई। हाँ, और तुम्हारे हाथ में चाकू होगा तुम्हारे ऊपर? फिर दूसरी को बुलाया तुमने? हाँ, तो मैं एक साथ ही चली गई। फिर गेट लगा लिया जी। तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हारे मालिक हैं, तुम्हारी सारी इतनी मदद करेगा अस्पताल वाले? सर, डर तो लग रहा था सर, मुझे अब सोच ये भी हो रहा था कि मैंने किया तो है, लेकिन पता नहीं जब क्या हूँ बाद में। तुम्हें शर्म नहीं आई जरा सी भी अंदर से? एक आदमी को थोड़ा बहुत यो रहा है कि जो मेरा मालिक है। इस बारे में एसपी देहात केशव कुमार ने यह जानकारी दी। थाना गंगानगर के पंचवटी कॉलोनी में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जिसने दो लड़कियों को बंधक बना रखा है चाकू की नोक पे। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल एसएचओ गंगानगर अपनी टीम के द्वारा मौके पर पहुंचे और बहुत ही बढ़िया साहस का परिचय देते हुए उन्होंने इस व्यक्ति को, जिसका नाम तपराज पुत्र जयपाल सिंह, उम्र लगभग इसकी 24 साल है, मूल रूप से पाली गांव हस्तनापुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया पुलिस ने। और गिरफ्तार करने के पश्चात उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इसको जेल भेजा जा रहा है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस खबर में आज इतना ही। कोरोना एक बार फिर से अपना फन उठा रहा है। सावधानी बरतें, सेफ रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।